मैं मेरे प्यारे देशवासियों, एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से की थी। 15 अगस्त को पीएम ने अपील की और उसके 5 दिन के बाद ही संसद भवन में सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए नो एंट्री का बोर्ड लटका दिया गया। लोकसभा सचिवालय में प्लास्टिक की पानी की बोतलों, थैलों और दूसरे सामान इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद 20 अगस्त से संसद भवन को प्लास्टिक मुक्त बना दिया गया है। प्रधानमंत्री की अपील और योगी सरकार की पाबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पन्नी के इस्तेमाल का जी मीडिया ने रियलिटी चेक किया तो हर जगह धड़ल्ले से पन्नी का इस्तेमाल होता दिखाई दिया। सब्जी मंडी में जब जी मीडिया की टीम गई तो वहां दुकानदार पन्नी में सब्जियां तौलकर दे रहे थे और अधिकतर ग्राहक भी बगैर झोले के खरीदारी करने पहुंचे हुए थे। दुकानदारों से जब पूछा गया कि पन्नी में सामान क्यों दे रहे हो तो वो उल्टा सवाल करने लगे कि पन्नी का प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, पहले इसका जवाब दीजिए। दुकानदारों का दर्द ये था कि अगर पन्नी नहीं देंगे तो ग्राहक सामान नहीं खरीदेंगे। लोग झोला लेके आते नहीं है इसलिए अब देना पड़ता है। ठीक है, अब हम नहीं पन्नी लेंगे। पन्नी बिक भी रही है खुलेआम, जब बिक रही है तो लोग को लेना पड़ता है, या तो ना बिके। आप लोग वहाँ पे देखिए, जहाँ से बन रही है पन्नी वहाँ से आ क्यों रही है, वहाँ पे आप लोगों को देखना चाहिए। सर पन्नी बंद हो गई है मगर कस्टमर थैला नहीं लेके आते हैं। 10 पैसे की पन्नी पड़ रही, थैला 5 रुपए का पड़ रहा, कहते हैं कि पन्नी नहीं है तो सब्जी लेते ही नहीं, सब्जी लेते ही नहीं, फिर हम क्या करें फिर। इसीलिए जब ग्राहकों से पूछा गया कि झोला लेकर क्यों नहीं आए तो उनके पास भी ढेरों बहाने थे। या मैं गांव से आ रहा हूं तो क्या करें, पन्नी घर पे गए नहीं है अभी तो झोला लाया नहीं पाए, इसलिए पन्नी में लेना पड़ रहा है। अगली बार झोला लेकर आओगे? अगली बार झोला क्या, घर पे जाए तो झोला लेके आएंगे। जब तक कंपनी नहीं बंद हो जाएगी तब तक ही इसको जो है बंद करना नामुमकिन, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलता रहता है। मान लीजिए कि हम तो झोला लाए, बहुत सारे ग्राहक है जो कुछ लाए ही नहीं। लखनऊ की मंडियों और बाजार में धड़ल्ले से प्लास्टिक के थैले चल रहे हैं तो सवाल नगर निगम पर भी उठता है, जिस पर कार्रवाई करने का जिम्मा है। हालांकि नगर निगम का दावा है कि प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। नगर निगम उसको जहां जहां भी पॉलिथीन मिल रहा है उसको जब्त कर रहा है, और जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कहने से वो बंद हुआ है, और लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में वो खत्म नहीं हो रहा, इसलिए उसके प्रति नगर निगम अपना अभियान चल। शाहजहांपुर की तमाम दुकानदारों और मंडियों में पहले की ही तरह पन्नियों का इस्तेमाल हो रहा है। ना दुकानदार पन्नी में सामान देने से संकोच कर रहे हैं और ना ही ग्राहकों को झिझक हो रही है। हल्का माल में झोला लेके आता ही नहीं है। हाँ। कहता पिन्नी में दीजिए। अच्छा, हम लोग कहते झोला लेके आओ, कहते ले लेंगे, चला नुकसान होता है जी, चला जाता। हम लोग थोड़ी सब्जी बेचते हैं भाई, जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसे बंद कराएं, जड़ खत्म करें। यूं तो प्लास्टिक पन्नी के इस्तेमाल पर 25,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, फिर भी खौफ नहीं दिखाई दे रहा। उधर नगर निगम इस मुगालते में जी रहा है कि शाहजहांपुर में पन्नी का इस्तेमाल ना के बराबर हो रहा है। पंपलेट भी बांटे गए हैं, होर्डिंग्स भी लगाई हैं, तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए काफी काम किया हम लोगों ने और लोगों के बीच जागरूकता भी पैदा हुई है। निश्चित रूप से पॉलिथीन कम कहीं एक ही रुकी मिल जा रही है, बट ऐसा नहीं कि बहुत कहीं लॉट पे दिखाई नहीं पड़ रहा है शहर में। लखनऊ और शाहजहांपुर में जहां प्लास्टिक पन्नियों का धड़ल्ले से इस्तेमाल दिखा, वहीं नोएडा में बड़ी कार्रवाई हुई है। नोएडा में अथॉरिटी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पन्नियों का इस्तेमाल करने वाली कई दुकानों में छापेमारी की। नोएडा के सेक्टर 27 में ब्रह्मपुत्र मार्केट और अलकनंदा में की गई छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पॉलिथीन बरामद की गई, साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदूषण के फैलने फूलने में प्लास्टिक का बड़ा योगदान है। जिस तरह से प्लास्टिक जिंदगी में घुस गई है और रच बस गई है, उससे छुटकारा एक दिन में पाया नहीं जा सकता। लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए ये जरूरी है कि पीएम की अपील के बाद कोशिश तो की ही जाए। हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? आइए मेरे देशवासियों,
हम इसको आगे बढ़ाएं।